हाय एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर प्रेस प्रभाकर त्रिपाठी। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट और आज हम देखने वाले हैं कलाई के दर्द के लिए कुछ सिंपल ट्रिक्स और एक्सरसाइजेस। कभी कभी हम लोग कलाई के दर्द क्यों होता है, पेन से ज्यादा लिख लिया, एग्जाम के अंदर हम बैठे हैं लिख रहे हैं, बहुत देर से लिखा तो हाथ में कलाई में दर्द हो गया, लैपटॉप चला रहे हैं बहुत देर से चला रहे हैं, कंप्यूटर माउस चला रहे हैं तो कलाई में दर्द हो गया। इन सब पैटर्न के लिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और अपने अपनी क्वेश्चंस और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा रिलीजिंग टेक्निक। अगर आपको दर्द हो रहा है कलाई में तो आप ऐसे कहाँ दबाएँ या कहाँ प्रेस करें कि आपकी कलाई का दर्द कम हो जाए, तो मैं बताना चाहूँगा। अपने हाथ के सीधा, अपना हाथ सीधा कर लें, यहां देख पा रहे हैं आप, सीधे अपने हाथ के यहां पे जहां पे हम मोड़ते हैं कलाई को, वहां से टेढ़ा जाके, थोड़ा टेढ़ा जाके नीचे 1 सेंटीमीटर जाके यहां पे अंगूठे से प्रेस करें और अपने हाथ को इस तरीके से घुमाएं और मुट्ठी को खोलें और बंद करें। यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आपके हाथ के दर्द में काफी आराम मिलेगा। दूसरा एरिया मैं आपको बताता हूँ जहां आप दबाएं तो आपको काफी आराम मिलेगा। दूसरा एरिया है अपने अंगूठे के सीध में, यहां पर आके दोनों हाथ के बीचों बीच, यहाँ पहले हमने यहां दबाया था, यहां उसके जस्ट नीचे अंगूठे से पकड़ के मुट्ठी बंद करें और खोले, मुट्ठी बंद करें और खोले। इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा कलाई के दर्द में। जब भी आपको इस तरीके का शार्प शूटिंग पेन हो रहा है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके सलाह जरूर लें। पेन को सहन न करें, ये पेन बढ़ भी सकता है और आपको तकलीफ दे सकता है। आपको अगर ये पेन है तो हम घर पे ऐसा क्या करें जिससे ये पेन कम हो जाए, तो मैं आपको सलाह दूंगा आप बर्फ का सेक करें। बर्फ का सेक करते वक्त आपको ध्यान देना है कि उसको सर्कुलर घुमाना है। 10 से 15 मिनट इस तरीके से सेक करें, जलन सहन करें और जलन होने के बाद थोड़ी देर में सुन्नपन का एहसास होने लगेगा बर्फ के सेक से, जब आके आपको रुकना है। तो हम देखते हैं कि हम क्या ऐसा एक्सरसाइज करें जिससे हमारे को ये सब चीजें जो मतलब दर्द है वो कम हो जाए घर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा ओके एक्सरसाइज। ये किस तरीके से करना है, हमारी पहली उंगली और अंगूठे को एक दूसरे से दबाना है और तीनों उंगलियों को स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है। इसी तरीके से दूसरे हाथ से करना है, दबाइए और इस तरीके से करिए। अब यही चीज हर एक उंगली के साथ दोहराइए। कितनी देर दबाएंगे, 10 सेकंड तक दबाना है और 10 सेकंड तक दबाने के बाद दूसरी उंगली पे शिफ्ट हो जाना है, उसको भी 10 सेकंड दबाना है, तीसरी पे 10 सेकंड, चौथी पे 10 सेकंड, इसी तरीके से 10-10 सेकंड करना है और एक बार एक ही रिपीटेशन करना है। फिर हम थोड़ी देर बाद 10 से 15 मिनट बाद आपको वापस दो रिपीटेशन करने हैं, फिर वापस 10 से 15 मिनट बाद आपको तीन रिपीटेशन करने हैं। ऐसे 10-15 मिनट रुक के आप तीन रिपीटेशन तक जाके रुक जाइए, ठीक है। अब हम जा रहे हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ कि हम ऐसा क्या करें कि हमें आराम मिले, तो मैं आपको बताना चाहूंगा स्ट्रेच एक्सरसाइज कलाई की आप कर सकते हैं। कैसे, हमारे हाथ को सीधा पकड़ना है, दूसरे हाथ से उंगलियों को अपनी ओर खींचना है और इस हाथ से इन पे प्रेस करना है, इस तरीके से आगे की ओर धकेलना है। इस तरीके से आपको आगे की ओर अपने हाथ की उंगलियों से दूसरे हाथ की उंगलियों को धकेलना है। तो हम ये एक्सरसाइज आपको दोबारा दिखाते हैं, दूसरे हाथ से वापस इस हाथ से इस उंगली को दबाना है और इन उंगलियों से आगे की ओर अपने दूसरे हाथ को धकेलना है। तो इस तरीके से हम ये स्ट्रेच करेंगे।
अभी हमने ऊपर से दबाना देखा, अभी हम नीचे से कैसे करेंगे? नीचे हम हाथ को नीचे ऐसे करना है, इस तरीके से नीचे लटका देना है और वापस इस उंगली से इसको दबाना है, ऊपर लेके आना है हाथ। इस तरीके से हमें ये कसरतें करनी है, ठीक है, स्ट्रेच एक्सरसाइज। अब मैं आपको तीसरे नंबर की एक्सरसाइज बताना चाहूंगा जो हम नॉर्मली सभी घर पे करते हैं, कलाइनों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, ठीक है, ऊपर नीचे करना। सो ये सारी कसरतें आप कर सकते हैं कलाई के दर्द के लिए। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर आपको सीवियर पेन है तो आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें, उनको जरूर एक बार फिजियोथेरेपिस्ट को जरूर दिखाएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच।